है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पौंडीचेरी की जो ट्रिप है आज वो एंड होती है और आज मैं पौंडीचेरी से जा रही हूँ रामेश्वरम। और मैंने बस चूज़ किया है, एक्चुअली मैंने बस बुक किया है यहाँ पौंडीचेरी से रेड बस के थ्रू मैंने बस बुक किया। एक्चुअली आप यहाँ आ करके पौंडीचेरी से आप रामेश्वरम के लिए ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन रूट से भी वेल कनेक्टेड है। लेकिन और वो बिल्लूपुरम स्टेशन से अब बहुत 4-5 ट्रेन जो है ऑन एवरी डे बेसिस जाती है बिल्लूपुरम से मंडपम। लेकिन बिल्लूपुरम जो है यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे ट्रेन की टिकट मिली नहीं, तो बस को फिर मैंने चूज़ किया और रेड बस से मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करी। तो अभी 10 बजे है तो मैं 15 मिनट पहले ही आ गई, क्यों थोड़ा सा मेरे को लगा तो चल थोड़ा पहले आ जाते हैं। तो ये है देखो स्टैंड, और ठीक इसके पीछे ना चेन्नई सिल्क करके उन्होंने ये दिया था, पॉइंट दिया था कि चेन्नई सिल्क के अपोजिट में आपका बस स्टैंड है, वहाँ पे आपको बस पिक करेगी। तो बस मैं यहीं चेन्नई सिल्क के अपोजिट में ये शर्मा ट्रेवल्स करके है तो वहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखो इसका वेटिंग रूम है कुछ ऐसा, तो यहीं पे मैं अभी रुकी हुई हूँ, तो बस आते ही फिर बोर्ड करूँ। तो ये देखो यहाँ का जो बस स्टैंड है ये कुछ ऐसा है, बहुत सारी बस यहाँ पे लगी हुई है, ये देखो बहुत बहुत सारी बस लगी हुई है। तो मेरे पास पूरे डिटेल आ गए हैं और जैसे ही बस आएगी यहाँ जहाँ मैं वेटिंग रूम में हूँ वो लोग इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद मैं बस को बोर्ड करूँगी। और ये देखो ये बड़ा सा ना आप एक मॉल देखो, ये देखो एक बड़ा सा मॉल आपको दिख रहा है, तो ये है चेन्नई सिल्क करके, देखो एक ब्लैक कलर का बड़ा सा बिल्डिंग है ना मॉल जैसा, वो चेन्नई सिल्क है। तो ये देखो ये है वो वेटिंग हॉल और यहाँ पे सामने वो देखो छोटी सी बस है ना ऑरेंज लिखा हुआ है, तो वो अभी छोटी वाली बस आई है पिक करने के लिए, तो यहाँ से अब ये छोटी वाली बस में जाऊँगी मैं। फिर आगे का बताती हूँ कि किस पॉइंट से फिर वो मेन बस में किस पॉइंट से फिर बोर्ड करना है। ये देखो ये वाली बस है ऑरेंज बस लिखा हुआ है, और ये देखो ये ऑरेंज बस करके ना यहाँ पे इसका वेटिंग हॉल जैसा। सो ये देखो दिस इज़ द स्मॉल बस, ये है स्मॉल वाली बस और इसके अंदर मैं आ गई हूँ और यहाँ से फिर हम जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे। फाइनली आ गई है मेरी बस, छोटी वाली ये बस से मैं यहाँ आई थी, अब ये मेरी मेन जो बस है रेड बस वाली, ये वाली बस मेरी आ गई रामेश्वरम। सीमा तो चलो चलते हैं। और ये देखो बस कुछ ऐसी है, पहले तो चलो मैं मेरी सीट पे चलती हूँ। ये है मेरी सीट U10, दिस इज माई सीट। बस है द स्टार्ट कितने कितने बच्चे हमें। ये देखो अभी एक्चुअली मैं जैसे ही बस में एंटर करी ना तुरंत बस ना चलना मतलब स्टार्ट हो कर दी चलना, और मेरी जो सीट है ये देखो ये ऊपर वाली है अभी तो मेरी रामेश्वर। ओह गॉड अभी देखो वापस गिरती मैं, इससे मज़ बेटर है कि मैं लेट के ही बातें करती हूँ आप लोगों से। बाहर का अभी देखो ऐसा कुछ भी व्यू नहीं है, बस ऊपर में मेरे को चंदा दिख रहा है और ये ऐसे रोड दिख रहे हैं, तो बस मैं अब यहाँ से अब सोने जा रही हूँ और मैं डायरेक्ट आप लोगों से सुबह में मिलती हूँ रामेश्वरम में। फाइनली अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं आ गई हूँ देखो यहाँ ये रामेश्वरम बस स्टैंड है, और यहाँ से मैं ये ऑटो कर रही हूँ और ऑटो करके मैं अब सीधे जा रही हूँ अपने होटल जा रही हूँ। एक्चुअली होटल मेरा ऑलरेडी बुक है और होटल जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो चलो चलते हैं।
फाइनली ये मेरा होटल है। चलो जल्दी से मैं चेक इन कर लेती हूँ पहले। हाँ जी, ये देखो ये है होटल का रिसेप्शन। रिसेप्शन कुछ ऐसा दिखता है, अच्छा है रिसेप्शन का ना, इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चेक इन दे नहीं रहे हैं तो बस मैं यहीं पे देखो बैठ गई हूँ, इसी के सामने बैठ गई। मेरे ख्याल से मुझे अभी 2 घंटे वेट करना। अभी देखो 8:30 बस हुआ है, 2.5 से 2.5 घंटे मुझे वेट करने पड़ेंगे चेक इन के। ये है मेरा स्टे, ये होटल है। एक्चुअली मैं 8:30 में आ गई मॉर्निंग में। पौंडीचेरी से मैंने बस लिया और बस लेकर के मैं रामेश्वरम आ गई। लेकिन यहाँ अर्ली चेक इन नहीं देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक रूम दिया मुझे फ्रेशन अप होने के लिए, रूम मुझे 11:30 के बाद देंगे। तो अभी 9 बजे है तो मैंने सोचा कि अभी गर्मी कम है तो चलो धनुषकोडी वगैरह घूम के आते हैं। सो दिस इज द लॉबी। Right now I'm going inside my room. So ये देखो ये है रूम नंबर 306 मेरा। चेक इन मिल गया मुझे, थोड़ा वेट करना पड़ा। तो ये देखो रूम में एंटर करते ही रूम अच्छा है यहाँ का। ये देखो सबसे पहले तो ये देखो ये मैंने यहाँ मेरा लगेज रखा हुआ है। ये सामने एक कबर्ड, पानी की कॉम्प्लीमेंट्री पानी बॉटल, सामने कोजी सा बेड। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे काउच है, सामने कर्टेन, एसी ज़रूरी है और बेड के साथ लगा हुआ 2 साइड लैंप। थोड़ा सा इधर टर्न करते हैं तो ये देखो टीवी यूनिट। थोड़ा वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये है वॉशरूम, ये है वॉशरूम।